नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट टिप्स। फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो मेरा चैनल में ऑलरेडी आपने अगर देखे होंगे कि मार्जिन ऑर्डर के बारे में क्या होता है, मार्जिन ऑर्डर एंड इमार्जिन ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है स्टेप बाय स्टेप डिटेल वे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है। तो अगर आपने ऑलरेडी वीडियो देखा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को देखिए ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपको डिटेल बेनिफिट क्या होता है मार्जिन ऑर्डर का वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मार्जिन ऑर्डर का काफ़ी सारा बेनिफिट होता है, वो उस बेनिफिट के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बट जो डिटेल स्टेप्स है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप्स कैसे स्टेप से सिक्योरिटीज़ में ऑर्डर प्लेस करते हैं और क्या डिफरेंस है बिटवीन मार्जिन ऑर्डर एंड इमार्जिन ऑर्डर। तो चलते देखते हैं डिटेल जो क्या फीचर्स होता है मार्जिन में वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, मार्जिन ऑर्डर मेनली क्या होता है, एक इंट्राडे एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने एक स्टॉक्स फॉर एग्जांपल 300 एसबीआई का स्टॉक्स आपने 1000 क्वांटिटी आपने ख़रीदना चाहते हो, बट ड्यू टू ह्यूज अमाउंट आपको इतना पैसा नहीं है आपके पास। तो जो टोटल अमाउंट होता है, मान लीजिए 1000 क्वांटिटी का स्टॉक्स 1000 क्वांटिटी आपको लगेगा 3 लाख रुपीस। ठीक है, 3 लाख रुपीस आपको लगेगा, बट आपको इतना नहीं देना है, आपको सिर्फ उसका 30% ही पे करना है या फिर उससे भी कम। तो आपको सिर्फ कितना देना है, आपको सिर्फ अराउंड 80,000 या फिर 90,000 आपको सिर्फ पे करना है। तो आपको 3 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट का शेयर्स सिर्फ 80,000-90,000 पे करके आपको मिल रहा है, और ज़्यादा क्वांटिटी का आप स्टॉक्स खरीदोगे इंट्राडे में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मुनाफा मिलेगा। इसलिए ये फीचर्स बहुत हेल्पफुल है, ये टूल्स बहुत बेनिफिट है जो लोग इंट्राडे में ज़्यादा ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। बट आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए स्टॉक्स के बारे में, एकदम परफेक्ट न्यूज़ होना चाहिए, तभी जाके इंट्राडे आप खेल सकते हो, नहीं तो आपका लॉसेस हो सकता है। तो देखिए, मेन जो बेनिफिट है इंट्राडे में मार्जिन ऑर्डर में वो है आपका जो बाइंग कैपेसिटी है, जो बाइंग पावर है उसको काफ़ी कई गुना आपको उसको बढ़ा देता है। ठीक है, आपको 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करके आप 1000 रुपीज़ का स्टॉक्स आप खरीद सकते हो, इतना पावरफुल ये टूल है। बट एक चीज़ है, ये जैसे ये इंट्राडे प्रोडक्ट है आपको उसी दिन ख़रीदना है 9:15 तक एंड उसको 3 बजे तक आपको उसको सेटलमेंट कर देना है। ठीक है, उसको बेच देना है, नहीं तो इस टाइप से सिक्योरिटीज़ आपका शेयर्स खरीदा हुआ शेयर्स बेच देगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आपका सेटलमेंट के बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़रूर ध्यान में रखना है, टाइमिंग 9:15 से 3 बजे तक आपको उसको ट्रेड करना है। और इसका जो मेन बेनिफिट है, इसका जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए ही मिलता है, क्योंकि ये डिलीवरी में ये मार्जिन ऑर्डर काम नहीं करता है। ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर इंट्राडे। ठीक है, और इसका छोटा सा अमाउंट आप निवेश करके बड़ा अमाउंट का स्टॉक्स, बड़ा क्वांटिटी का स्टॉक्स आप खरीद सकते हो। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि एनहेंस योर बाइंग पावर एज यू नीड टू पे ओनली वेरी नॉमिनल अमाउंट। ठीक है, तो इस ये शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छा टूल है, ये हायर लेवरेज यूजिंग मार्जिन प्रोडक्ट आपको दे रहा है। छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके आपको बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे, तभी जाके इंट्राडे में आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। बट इंट्राडे में हमेशा ध्यान रखिए, जो अच्छा स्टॉक्स, क्वालिटी वाला स्टॉक्स, अच्छा न्यूज़ अगर आपके पास है तभी जाके इंट्राडे मार्जिन में खेलिए, क्योंकि आपका लॉस भी हो सकता है। तो टाइमिंग ज़रूर याद रखिएगा, 9:15 में जब मार्केट ओपन होता है तब जाके ख़रीदना है, और 3 बजे तक एक्चुअली इंट्राडे का सेटलमेंट होता है स्टेप सिक्योरिटीज़ में, तो 3 PM तक आपको इसको सेल करके इसको प्रॉफिट आपको बुक करना है। ठीक है, तो मार्जिन ऑर्डर का मेन बेनिफिट से आपको लेवरेज मिलता है, लोन के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, काफ़ी सारा अमाउंट आपके लोन के ऊपर, लोन के बेसिस पर देगा, बट उसी दिन आपको बेच के यूज़ करके इस टूल को प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ज़्यादा पैसा ज़रूरत नहीं है, छोटा सा अगर आपके पास अमाउंट है तो आप मार्जिन ऑप्शन यूज़ करके इसको आप इंट्राडे ट्रेडिंग खेल सकते हो। ठीक है, इसका डिटेल स्टेप्स कैसे किया जाता है, इन एप्लीकेशन पर कैसे ट्रेड किया जाता है, मैंने डिटेल स्टेप्स मेरे वीडियो में ऑलरेडी पोस्ट किया है, पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा, आप देख सकते हैं।
और अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ठीक है, वीडियो का थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे इनकरेज मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।